कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में लखीराम मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने जिला चिकित्सालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में लखीराम मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने जिला चिकित्सालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में अध्ययनरत 200 से अधिक छात्र सामूहिक रूप से काली पट्टी लगाकर जिला चिकित्सालय में उपस्थित रहे। मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने बताया कि आए दिन देश में डॉक्टर्स के ऊपर इस तरह के जानलेवा हमले मरीजों के परिजनों द्वारा होते रहे हैं। इस दिशा में कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को रखा। उन्होंने अपने आवेदन में कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा के साथ उन पर अमानवीय व्यवहार करने वाले लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए एवं हर चिकित्सालय के कैंपस में पुलिस थाना स्थापित किया जाए, ताकि इस तरह की घटना होने पर तत्काल पुलिस सहायता मिल पाए। इस तरह की घटना की तत्काल जांच की मांग भी मेडिकल छात्रों ने की है। चिकित्सकों की सुरक्षा होने के बाद सभी चिकित्सक निर्भीक होकर अपना कार्य कर सकेंगे। देखिए, आज हम लोग इसलिए काली पट्टी लगा के प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि कलकत्ता के जो NRS मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर परिबाहा और डॉक्टर यश, इनके जो इनके साथ जो शारीरिक हिंसा की गई है उसके अगेंस्ट में हम लोग आज प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ एवं भारत देश के सभी मेडिकल कॉलेज में आज यहाँ हर जगह शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे करीब 200 से 250 स्टूडेंट्स यहाँ पे, सभी लोग यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए। दूसरी जगह पे OPD बंद रखा है, यहाँ क्या स्थिति? यहाँ पे ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है पेशेंट्स को। यहाँ पे OPD और आपातकालीन सुविधाएं चल रही हैं और पूरी खुली हुई हैं। हम लोग सिर्फ आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन, वो भी शांतिपूर्वक तरीके से। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।